अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। ट्रैफिक पुलिस ने बाबा नगर से पिसलबंडा सड़क पर फल फरोख करने वाले ठेला बंडी वालों को ट्रैफिक मसाइल पैदा ना करने की ताहिद की है। ट्रैफिक डीसीपी बाबूराव ने एशियन टीवी न्यूज से बात करते हुए बताया कि अवाम की तरफ से शिकायत मौसूल हुई थी कि ठेला बंडी वालों की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल भी स्पेशल ड्राइव कंडक्ट किए थे जिसमें बंडी वाले एक शोरूम की तरह बनाकर ट्रैफिक का पैदा कर रहे हैं। उनके खिलाफ कल 30 केस बुक किए और आज 10 केस बुक करके उनका सामान जब्त किए। और ट्रैफिक डीसीपी बाबूराव ने कहा अगर फिर वो लोग ऐसे ही करे तो उनको बंडी लगाने भी नहीं देंगे। ट्रैफिक डीसीपी बाबूराव ने बताया कि एक शख्स की 2-3 बंडियां रखने का भी इंतजाफ हुआ है और उन्हें ताकीद की गई मौजूदा मुकाम से आगे आकर ट्रैफिक का मसाइल पैदा ना करे। शेख शाहिद और मुजम्मिल अहमद के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज हैदराबाद। पिसलबंडा तक जो रोड साइड पुशकार्ट लगा कर जो मेवा बेच रहे हैं वो लोग आड़ तेड़ लगा कर रोड पे लाके बंडी लगा के और एक बंडी के जगह में एक शोरूम बना के आने जाने वाला ट्रैफिक को बहुत तकलीफ दे रहा है। इसलिए जो लोग एक शोरूम पे ऐसा लगा के जो कारोबार कर रहे हैं वो लोगों पर आज केस बुक कर दिया और वो लोगों का सामान भी जो रोड पे लग के जो कर रहे ट्रेस वगैरह पूरा जब्त कर दिया। सारे बंडे वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक लाइन से कारोबार कर लो, जो आने जाने वाला पब्लिक है ट्रैफिक है वो लोगों को तकलीफ मत दो। शुक्रिया सर। अभी तक तो जितना इन लोगों का सामान कलेक्ट कर रहे हैं आप उसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? नहीं नहीं कैसे लो जी ना 30 सर। कल भी हम ये स्पेशल ड्राइव करें, ये स्पेशल ड्राइव में कल 30 केस बुक करे, अभी 10 केस बुक कर रहे हैं। ये लोग ऐसी करे तो पूरे बंडिया भी काली कराने के लिए हम सोच रहे हैं।